भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और पांच बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। मौका मिला है आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर, पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है। जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को, और प्रयास करना अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दो, वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाए। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हाफड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकालकर धोकर उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन, उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हाफड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाता है।